डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि पता है, हम लोगों ने साइंस सब्जेक्ट में अभी फिजिक्स के एक चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में हम लोगों ने पूरा का पूरा थ्योरी को पढ़ा। पूरे के पूरे थ्योरी को पढ़ने के साथ साथ, चूंकि एनसीईआरटी बुक से हम लोग साइंस को पढ़ते हैं, तो उसके बीच के जो प्रश्न रहते हैं उन सारे क्वेश्चन को भी मैंने डिस्कस किया, और आप इन चीजों को जरूर से जरूर नोटबुक्स में अच्छे से, अच्छे तरीकों से, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखे होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। फिर आइए आगे चलते हैं, जो कि लास्ट में जब भी कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में चैप्टर खत्म होता है तो उसके पीछे का जो क्वेश्चन है, जो अभ्यास के अंतर्गत दिया गया रहता है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को बहुत करना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन चैप्टर में, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन वाले चैप्टर में जो लास्ट में रहता है अभ्यास वाला क्वेश्चन, उस अभ्यास के क्वेश्चंस को हम लोग करना शुरू करते हैं। अगर जिसके पास किताबें हैं तो जरूर निकाल कर उन्हें क्वेश्चंस को समझिए, क्वेश्चंस को नोट कीजिए, देन हम जो यहां से आंसर बोलेंगे, जो हम आंसर समझाएंगे, आप उन चीजों को नोट कीजिए। लेकिन जिसके पास हो सकता है बुक नहीं हो तो उनके लिए भी खराब क्लास नहीं जाने देंगे, क्योंकि उनके लिए क्वेश्चंस भी हम प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि हम क्वेश्चंस बोलेंगे तब उसका आंसर बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जिसके पास किताबें नहीं है उनको कोई नुकसान नहीं हो, और जिनके पास किताबें हैं तो और अच्छी बात है, उनको भी तो नुकसान नहीं हो रही है। तो चलिए अभ्यास का पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहले हम लोग यहां से क्वेश्चन बोलेंगे फिर उसका आंसर करेंगे। चलिए क्वेश्चन, जिसके पास किताबें नहीं है वो लिखना शुरू कीजिए। हाँ, एक बात और कि अगर हम यहाँ पे ज्यादा तेजी से अगर बोल पा रहे हो और आप नहीं लिख पा रहे हो तो एक काम करना है, वीडियो को रोक कर जितना सुने उतना चीजों को लिख लीजिए, फिर रोकिए, फिर लिखिए, ठीक है। क्योंकि हमारे सामने तो आप बैठे नहीं हुए कि हाँ सर रुकिए, सर तो चलिए, सर तो अभी रुकिए, तो अभी बंद कीजिए, तो अभी ये कीजिए, तो ये सब तो होगा नहीं, क्योंकि हम अपने से वो चीजें बोलते जाएंगे, खुद ब खुद एक से दो बार रिपीट करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर ज्यादा तेजी से अगर हम बोल रहे हो, आपको ऐसा लगता है, तो आप उन चीजों को स्टॉप कर दीजिए और फिर जो बोल रहे उसको लिखिए, फिर हम आंसर बोलेंगे, ठीक है। तो जिनके पास किताब है तो अच्छी बात है, नहीं है तो लिखा जाए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। चलिए कुछ पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप में है, उसमें चार ऑप्शन दिया है। तो पहला ऑप्शन दिया है जल, दूसरा दिया है कांच, ऑप्शन लिखिए, पहला में जल, दूसरा में कांच, तीसरा में प्लास्टिक, और चौथा में दिया है मिट्टी, ठीक है, ये ऑप्शन है। तो वो पहला क्वेश्चन था और क्वेश्चन के नीचे ये ऑप्शन दिया है, चार ए बी सी डी लिखिए या फिर 1 2 3 4 करके लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चार ऑप्शन दिया, फिर से सवाल जरा समझते हैं, बोल क्या रहे कि ये चार ऑप्शन में से, निम्न में से कौन सा लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जरा अब याद कीजिए आप कि लेंस का डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े थे, तो लेंस में यही पढ़े थे कि वह पदार्थ जो पारदर्शी हो, पारदर्शी का मतलब आर पार दिखे, उसी को ना पारदर्शी बोलते हैं। पारदर्शी माध्यम होता है, एक अपारदर्शी होता है। पारदर्शी माध्यम उसको कहते हैं जब जिस एक माध्यम से दूसरे माध्यम के आर पार दिखाई दे, उसको हम लोग पारदर्शी कहते हैं, और जिस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में दिखाई न दे, अपारदर्शी माध्यम।
तो हम लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? कि लेंस वह पारदर्शी पदार्थ है जिसका दोनों पृष्ठ गोलीय होता है। जैसे कि उत्तल लेंस में भी देखिए तो दोनों गोलीय होता है, और अवतल लेंस में देखिए तो ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे मुड़ा हुआ रहता है। तो यहां पे कौन सा आंसर होगा? देखिए, जल के आर पार दिखता है कि नहीं, क्योंकि जो दिखता है वो तो लेंस होता है। और यहां बोल रहा है कि कौन लेंस नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि लेंस के कैटेगरी में कौन नहीं है। तो जल लेंस है कि नहीं? तो जल भी एक तरह का लेंस है। क्यों? क्योंकि बाल्टी में पानी भर के और बाल्टी में सिक्का या फिर मार्कर को डालिएगा तो दिखेगा, यानी कि पानी के आर पार आप देख लिए ना इस मार्कर को, तो ये तो लेंस बनेगा। कांच, जी हाँ, कांच बने शीशा देख पा रहे हैं, ये भी एक लेंस है, इसके आर पार देख रहे हैं तो लेंस है। प्लास्टिक, तो हाँ बिल्कुल, हम लोग छोटा बच्चा थे तो प्लास्टिक का वो खेल खेलते थे, प्लास्टिक से देख देख कर चलते थे, यानी कि प्लास्टिक के आर पार दिखता है, लेकिन मिट्टी के आर पार नहीं दिखता है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि जल भी एक तरह का लेंस हुआ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में दिखा, कांच भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में दिखा, प्लास्टिक से भी देख सकते हैं लेकिन मिट्टी से नहीं देख सकते हैं। तो सवाल क्या बोल रहा था कि निम्न में से कौन सा से लेंस नहीं बनाया जा सकता, यानी लेंस के कैटेगरी में नहीं आता है, तो राइट आंसर इज मिट्टी, यानी कि इसमें मिट्टी को ठीक कर देंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा जाए, दूसरा क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी कौमा सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, तथा बिंब से बड़ा पाया गया पूर्ण विराम वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए, वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए। चलिए, ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका भी ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी, डी करके लिखेंगे। तो पहला ऑप्शन ए में लिखिएगा, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। पहला ऑप्शन क्या है? तो ए ऑप्शन में लिखा है, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। दूसरा ऑप्शन, वक्रता केंद्र पर, यानी बी वाले ऑप्शन में लिखेंगे, वक्रता केंद्र पर। सी वाले ऑप्शन में लिखेंगे, वक्रता केंद्र से परे। बताते हैं इसका मतलब क्या है, वक्रता केंद्र से परे, बताते हैं कि परे का मतलब क्या हुआ, वक्रता केंद्र से परे। और लास्ट ऑप्शन यानी कि डी लिखिए या चौथा ऑप्शन लिखिए, इसमें ऑप्शन में लिखना है, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। चलिए, सवाल क्या बोल रहा है, जरा दूसरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। ये बोला गया कि आपको एक दर्पण दिया गया है, और वो कौन सा दर्पण है भाई? तो अवतल दर्पण है। तो यही ना अवतल दर्पण होता है, जिसका बाहरी ओर पेंट किया हुआ रहता है। तो एक अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में बोल रहा है कि वस्तु को कहां रखना चाहिए। देखिए, आपसे उल्टा सवाल कर रहा है, उल्टा सवाल क्यों कर रहा है जरा हम दिखाते हैं। इसमें बोल रहा है
कि वस्तु को कहां, यानी वस्तु माने बिंब, वस्तु को कहां रखना चाहिए कि इसका जो प्रतिबिंब है क्या इस कैसा कैसा बनना चाहिए, तो आभासी बनना चाहिए, सीधा बनना चाहिए और बड़ा बनना चाहिए। देखिए तीन कैटेगरी है, आभासी बनना चाहिए, सीधा और बड़ा। तो इसीलिए साथियों हम आपको बोलते थे हमेशा के लिए कि जो टेबल बना रहे ना भाई उत्तल दर्पण का अवतल दर्पण का, उस पूरे को आपको अच्छे से रट जाना है। आज उसका उपयोग हो गया। हम लोग तो वहां ये सुनते सुनाते थे कि अगर वस्तु को सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अगर वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो कहां बनेगा, यही ना। लेकिन आज देखिए उल्टा सवाल भी बोल दिया कि वस्तु को कहां रखना चाहिए कि अवतल दर्पण में इसका जो प्रतिबिंब होना चाहिए आभासी, सीधा और बड़ा होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, तो पहला ऑप्शन है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, यानी कि सी तथा एफ के बीच। तो ये गड़बड़ है क्योंकि सी तथा एफ के बीच रखते हैं तो आपको खुद याद होना चाहिए कि कहां इसका इमेज बनता है। तो इसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कहां रखते हैं भाई, तो ध्रुव तथा फोकस के बीच, यानी कि पी एंड एफ के बीच, पी और एफ के बीच रखते हैं तभी ना राइट साइड बनता है और बड़ा इमेज बनता है और आभासी बने कि काल्पनिक ऐसा प्रतीत होता है कि जाके ऊपर कट रहा है। ठीक है, आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं कि पी तथा एफ के बीच वस्तु रखते हैं अवतल में तो कैसा बनता है, तो वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। एक ही तो था अवतल दर्पण में जिसमें आभासी और सीधा बनता था, बाकी सब में तो वास्तविक उल्टा बन रहा था, याद है ना आपको। नहीं भी याद है तो आपको याद आना चाहिए कि अवतल दर्पण में एक ही केस था जिसमें कि आभासी और सीधा बन रहा था, वो कहां, तो पी तथा एफ के बीच, यानी कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं कि सर वक्रता केंद्र से परे का मतलब क्या हुआ। तो वक्रता केंद्र से परे का जो मतलब हुआ वो मतलब ये हुआ कि अनंत तथा सी के बीच, अनंत तथा सी के बीच। तो कहीं भी अगर परे, परे का मतलब क्या हुआ, अनंत, परे मतलब अनंत, और अनंत और सी के बीच क्योंकि वक्रता केंद्र है और परे माने अनंत, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो बात यही हुआ। तो ये कभी नहीं हो सकता है, तो दूसरा का आंसर कर लेना है कौन सा, डी, कि कहां रहने पे, तो ध्रुव तथा फोकस के बीच रहना, यानी कि दूसरा का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो तीसरा क्वेश्चन बोलते हैं, लिखा जाए किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब, प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें, उत्तल लेंस के सामने कहां रखें। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब इसका ऑप्शन लिखिए। पहला ऑप्शन लेंस के मुख्य फोकस पर, पहला ऑप्शन लिखना है लेंस के मुख्य फोकस पर बी ऑप्शन लिखना है फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर सी वाला ऑप्शन लिखेंगे अनंत
अनंत पर डी वाला ऑप्शन लिखेंगे, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, डी वाला ऑप्शन है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो तीसरा क्वेश्चन पूरा हुआ। अब इस क्वेश्चन को मतलब समझना है कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो जरा तीसरा क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन। तो इसमें इस क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है कि उत्तल लेंस है, ये हमें दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में एक वस्तु को, बिंब को कहां रखा जाए कि उसका जो प्रतिबिंब होता है वो समान साइज का बने, समान दूरी पर बने, वस्तु के मतलब बराबर बने। ठीक है, तो आपको उत्तल लेंस में याद होगा कि अगर किसी भी वस्तु को C पर रखते हैं, क्योंकि एक तरफ C1 होता है इसमें, एक तरफ F1 होता है, एक तरफ F2 होता है, तो एक तरफ C2 होता है ना। अगर मान लिया कि C पर रखते हैं, C1 पर, तो यहां पे बनता कैसे है, यहां पे जाता है और फिर फोकस से होकर निकल जाता है, और यहां पे प्रकाशिक केंद्र से होते हुए, यानी कि यहां पे ये कटता है और पता चलता है कि ये C2 पे बन रहा है। यानी बोल रहा है कि उत्तल लेंस में किसी वस्तु को कहां रखा जाए कि उसका जो प्रतिबिंब है वो समान साइज का बने। तो उत्तल लेंस वाला जो टेबल बनवाए हैं वहां पे आप देख सकते हैं कि वस्तु को कहां रखा जाता है, तो C1 पर। इमेज कहां बनता है, C2 पर। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ये कि हम लोग C1 पर रखेंगे, लेकिन C1 तो ऑप्शन नहीं है, तो इसी C1 को ना R बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और वक्रता त्रिज्या को 2F भी बोला जा सकता है, क्योंकि R बराबर क्या फार्मूला होता है, 2F। इसलिए जो ऑप्शन यही है कि फोकस पर या फोकस दूरी के दोगुना दूरी पर। तो देख पा रहे होंगे हम लोग जो है C1 पर रखते हैं तो समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, लेकिन C1 पर रखेंगे तब ना, ऑप्शन तो नहीं है C1 का, लेकिन वो दूसरे रूप में है, क्योंकि C1 को हम लोग R बोल सकते हैं, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है 2F, R बराबर 2F। इसीलिए फोकस का दोगुना दूरी पर इसका सही आंसर होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फोकस दूरी के दोगुने दूरी पर। ठीक है, आप फिगर बना नहीं सकते हैं, मतलब कि ये ऑब्जेक्टिव था, सोच समझ के अपने खुद से मारना होता है, इसमें हम आपको समझा रहे थे, तो ये बनाना जरूरी नहीं है। आप समझिए कि आखिर हम फोकस दूरी का दोगुना क्यों मारे, कि वो R होता है और R बराबर 2F फार्मूला होता है, इसलिए। हालांकि रियलिटी क्या था कि C1 पर, क्योंकि C1 पर वस्तु को रखेंगे तभी ना बराबर साइज बराबर इमेज बनेगा, तो C1 कहने का मतलब R, वक्रता त्रिज्या, और इसका फार्मूला 2F। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर तीन था। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार की ओर। क्वेश्चन नंबर चार लिखा जाए, क्वेश्चन नंबर फोर, किसी गोलीय दर्पण तथा, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां, दोनों की फोकस दूरियां पंद्रह सेंटीमीटर है, पंद्रह सेंटीमीटर है, पूर्ण विराम
दर्पण तथा लेंस संभवतः है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है। पहला ऑप्शन लिखिएगा संभवतः है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके नीचे ऑप्शन लिखेंगे, पहला दोनों अवतल, दोनों अवतल दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी दोनों उत्तल, दोनों उत्तल तीसरा ऑप्शन, तीसरा दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, तीसरा ऑप्शन लिखेंगे दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, लेंस उत्तल तीसरा लिखेंगे, चौथा लिखेंगे ऑप्शन दर्पण उत्तल चौथा ऑप्शन दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, लेंस अवतल। चलिए अब जरा हम इसमें बात करते हैं सवाल क्या बोल रहे हैं। तो सवाल जो कुछ भी बोल रहे हैं उसके पहले हम लोगों को चीजें जाननी चाहिए। अब वो कौन कौन सा चीज है जो हमें जाननी चाहिए, तो पहला ये कि उत्तल दर्पण कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण कैसा होता है भाई, तो जिसका अंदर वाला सतह पेंट हुआ रहता है। अच्छा, दूसरा समझना चाहिए कि अवतल दर्पण कैसा होता है, तो जिसका बाहर वाला सतह पेंट हो। जरा बात करते हैं उत्तल लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस तो ऐसे, ठीक है। अवतल लेंस तो ये होता है ऐसे, सबका डायग्राम दिख रहा है, ये सबका डायग्राम है, ठीक है। अब हम लोग सवाल पे आते हैं, बोल रहे सवाल में, सवाल क्या बोल रहा है कि एक तरफ आपको लेंस है और एक तरफ दर्पण है, एक तरफ दर्पण है और एक तरफ लेंस है, ठीक है। अब आपको से ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा लेंस या दर्पण होगा जिसका दोनों का फोकस कितना हो, इसका भी फोकस 15 और इसका भी फोकस 15 सेंटीमीटर। अगर मान लिया कि दोनों उत्तल दर्पण को रखते हैं, नहीं एगो में दर्पण लेना है तो एगो में लेंस, मान लिया कि एगो में उत्तल दर्पण ले लिया, तो उत्तल दर्पण लेंगे तो ये बाहर की ओर आएगा और उत्तल लेंस आएगा तो यहां पे देख रहे हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों में उत्तल लेना गलत बात हो जाएगा, ठीक है। अब एक में उत्तल दर्पण लेते हैं और एक में अवतल लेंस लेते हैं, तो एक में उत्तल दर्पण लेंगे और एक में अवतल लेंस लेंगे, तो इसमें तो वस्तु इधर आएगा, इसमें वस्तु इधर आएगा, ये भी अपोजिट फेल हो गया। अच्छा, एक में अवतल दर्पण लेते हैं और एक में उत्तल लेंस होते हैं, जब अवतल दर्पण और उत्तल लेंस लीजिएगा तो जरूरी बात है कि इधर से वस्तु तो इधर से वस्तु, लेकिन इसका देखिए शेप तो ये गड्ढा है और ये उठा हुआ है, तो इसके वजह से अवतल दर्पण और उत्तल लेंस नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब कि दोनों ही एक जैसा है, कौन कौन सा, अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों एक जैसा है। दोनों में देखिए तो बाएं साइड वस्तु रहता है और ये भी अंदर में गड्ढा है और ये भी अंदर में गड्ढा है, इसलिए दर्पण भी हम लोग अवतल लेंगे और लेंस में भी
अवतल लेंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोनों अवतल, क्योंकि दोनों अवतल लेने पर हमें दोनों का फोकस दूरी सेम होगा। दोनों आखिर एक ही जैसा होगा तभी ना फोकस दूरी दोनों का 15 सेंटीमीटर होगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा दोनों अवतल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर चौथा का ए करेक्ट हो जाएगा, चौथा का ए करेक्ट। चलिए अब पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा जाए पांचवा क्वेश्चन, किसी दर्पण से आप चाहें, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब, आपका प्रतिबिंब सदैव, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त होता है, पूर्ण विराम, संभवतः दर्पण है, संभवतः दर्पण है, पूर्ण विराम। अब उसके नीचे ऑप्शन लिखा जाए तो पहला ऑप्शन में दिया है केवल समतल, केवल समतल, दूसरा केवल अवतल, केवल अवतल, तीसरा ऑप्शन सी केवल उत्तल, केवल उत्तल, चौथा ऑप्शन या तो समतल अथवा उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हो गया। बोल रहा है कि वह कौन सा दर्पण है जिसके जिसके सामने आप कितना ही भी दूरी पर खड़े क्यों ना होइए, आपका प्रतिबिंब जो है वो सीधा ही बनाएगा। समझ पाए होंगे यहां पे क्या बोल रहे हैं कि वह कौन सा दर्पण है जिससे आप चाहे कितना ही दूरी पर क्यों ना खड़े होइए, आपका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा बनाता है, कभी उल्टा नहीं बनाता है। तो पहला बात तो समतल दर्पण, क्योंकि हम हमेशा बोले हैं कि समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो आप जितना भी दूरी पर खड़े हुए उतना ही दूरी पर आपको प्रतिबिंब मिरर के अंदर बनेगा, और जितना आपका साइज है उतना ही साइज का बनेगा, उतना ही दूरी पर बनेगा, और खास बात कि सीधी अवस्था में बनता है, यानी कि समतल तो होगा ही होगा। अब जरा बात कर लेते हैं उत्तल का, तो उत्तल में वास्तविक और उल्टा भी बनता है किसी किसी केस में, कि जब वस्तु को सी पर रख दिया जाए, चाहे सी तथा एफ के बीच रख दिया जाए, तो वो कहीं ना कहीं वास्तविक उल्टा भी बनता है। लेकिन अगर बात किया जाए अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा या तो समतल, या तो समतल, या तो अवतल। ठीक है, यानी कि किसमें किसमें सीधा प्रतिबिंब बनेगा, तो या तो समतल, या तो सॉरी अथवा उत्तल, इसमें हम लोग डी जो है ना गलती कर दिए, डी ऑप्शन उत्तल है, हम अवतल लिख दिए, तो उत्तल में होता है, याद रखिएगा अवतल नहीं उत्तल। ठीक है, उत्तल में कभी भी वास्तविक उल्टा नहीं बनता है, हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, तो यहां पे डी ऑप्शन सुधार कर लीजिएगा, क्या लिखा हुआ है या तो समतल अथवा उत्तल,
उत्तल, उत्तल लिखा हुआ है डी ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में यानी कि समतल में और उत्तल में दोनों में ही कैसा बिंब का प्रतिबिंब बनता है, हमेशा सीधा बनता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, 6 क्वेश्चन लिखा जाए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों की किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, कौन सा लेंस पसंद करेंगे। पहले ऑप्शन लिखा जाए, पहला ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, पहला ऑप्शन 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, एक अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर तीसरा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर चौथा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। चलिए तो इसमें बोल रहा है कि 4 ऑप्शन बोल रहा है, कौन कौन सा भाई, तो एक 50 सेंटीमीटर का फोकस दूरी वाला क्या है, तो एक उत्तल लेंस है, और 50 सेंटीमीटर का एक अवतल लेंस है, एक 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस है, और एक 5 सेंटीमीटर का अवतल लेंस है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि किसका आप इस्तेमाल करेंगे शब्दकोश में पाया गया छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात शब्दकोश का मतलब समझते हैं कि क्या होता है। शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी, और डिक्शनरी में जो छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए होते हैं उनको किस लेंस से पढ़ा जाना चाहिए। सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि उत्तल लेंस कि अवतल लेंस से, किस लेंस से पढ़ा जाना चाहिए। देखिए लेंस बोल रहा है न कि दर्पण, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में तो बड़ा इमेज बनाता है, तो भाई दर्पण नहीं पूछ रहा, लेंस पूछ रहा है। तो लेंस में उल्टा होता है, किसी भी पाया गया शब्द को छोटे अक्षरों को अगर हमको पढ़ना होगा तो आप यूज कीजिएगा कौन सा, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस तो दो दो ठो है ऑप्शन में, एक 50 सेंटीमीटर वाला और एक 5 सेंटीमीटर वाला, तो उसी उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है जिसका फोकस दूरी कम होता है। याद रखिएगा कि किसी डिक्शनरी में छपा हुआ छोटा अक्षर को पढ़ने के लिए हमेशा उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है और जिसका फोकस दूरी कम रहेगा।
तो आपका ऑप्शन में था 50 सेंटीमीटर उत्तल, 50 सेंटीमीटर अवतल, 5 सेंटीमीटर उत्तल, 5 सेंटीमीटर अवतल। तो अवतल वाला तो ऑप्शन पहले ही साइड हो गया, क्योंकि अवतल लेंस का तो व्यवहार करते नहीं है, उत्तल लेंस का करते हैं। अब उत्तल लेंस का दो ऑप्शन है, 50 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला। तो जिस लेंस का अवतल, उत्तल लेंस का जिसका फोकस दूरी कम होता है, उस वो ज्यादा इफेक्टिव होता है छोटे छोटे अक्षरों को क्लियर देखने में, ठीक है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस, ठीक है, 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस इज द करेक्ट आंसर। तो आज हम लोग देखे क्वेश्चन नंबर 6 तक के डिस्कस किए इस साइंस के क्लास में, फिर अगली बार अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।